सीएम योगी ने बनाया विदेशी फंड यूपी में लाने का सुपर प्लान। सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि यूपी में रोजगार के लिए दुनिया के 17 देशों में जाएगा बाबा का संदेश। मुस्लिम देश दुबई से होगी बकायदा इसकी शुरुआत। जापान जर्मनी तक होगा यूपी का महाप्रचार। कुछ सपने अगर हकीकत हो जाएं तो सबकी किस्मत बदल सकती है, और योगी आदित्यनाथ उसी के लिए कदम उठा रहे हैं। यूपी में निवेश लाने के लिए विदेशों में योगी का रोड शो का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। सुनने में तो यही आया है। हम आपको बताएंगे योगी किस देश में अपना संदेश लेकर जाएंगे। उससे पहले जान लीजिए योगी ऐसा करना क्यों चाहते हैं। यूपी में 10 लाख करोड़ का निवेश लाने की तैयारी हो रही है। सीधे शब्दों में समझिए तो 10 लाख करोड़ का मतलब भारत सरकार के कुल बजट का लगभग एक तिहाई हिस्सा होता है। और अगर ऐसा करने में योगी कामयाब हो जाते हैं तो कमाल हो जाएगा। हम आपको पूरा प्लान बताएंगे। उससे पहले सुनिए योगी दुबई से लेकर किस किस देश में रोड शो करने की तैयारी कर सकते हैं। ये प्लान पिछले एक साल से बन रहा है। दूसरी बार सरकार बनाने के बाद प्लान को जमीन पर उतारने की तैयारी भी हो रही है। सुनने में आया है कि 2022 के जनवरी के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा, जिसमें 10 लाख करोड़ का निवेश लाने की तैयारी है। इसके लिए दुनिया भर के देशों में समिट को बुलाया जाएगा, जिसके लिए मंत्रियों के साथ साथ अधिकारी भी आएंगे। किसी एक देश में योगी का रोड शो होगा, वहीं योगी खुद जाएंगे और निवेशकों को बुलाकर लाएंगे। असल में आप अक्सर सोचते हैं कि योगी माफियाओं को जेल में डालकर यूपी की क्राइम व्यवस्था सुधारने पर ही फोकस क्यों करते हैं। सीएम का आधा वक्त क्राइम कम करने पर ही क्यों जाता है? इसका सीधा जवाब ये है, अगर आपको एक दुकान खोलनी है तो आप सबसे पहले इलाका देखते हैं, वो एरिया सुरक्षित है या फिर नहीं। इसी तरह से निवेशक भी वही करते हैं जो आप करते हैं। ये बात क्यों? अगर कोई निवेशक निवेश करेगा तो देखेगा नहीं कि अरबों रुपया कहाँ निवेश कर रहा है, और जब सरकार उसे भरोसा दिला देगी कि कोई माफिया उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर उससे वसूली नहीं करेगा, तब जाकर कोई निवेशक वहाँ पर निवेश करता है, जैसा कि अब यूपी में होने लगा है। यूपी में फिल्म सिटी का ऐलान पहले हो चुका है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का जेवर एयरपोर्ट पर फोकस है। विदेशी निवेशक अब आएंगे तो उनके लिए पूरी तैयारी जरूरी है। ये प्लान सीएम योगी के राजनीतिक जीवन का मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है। एक तरफ केजरीवाल बार बार पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी नेतृत्व योगी को खुलकर आगे नहीं कर रहा है। ऐसे में आपके पास एक विकल्प होता है, और वो विकल्प होता है कि आप अपना काम करें और बाकी भविष्य पर छोड़ दें। और योगी ऐसा काम करने को लेकर तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनता उनकी दीवानी हो जाएगी। देश के इकलौते सीएम योगी हैं जिन्होंने कुछ ही महीने पहले ये वादा किया था कि हर घर रोजगार पहुंचाएंगे, यानी आपके परिवार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसकी नौकरी ना हो, और वो तभी संभव होगा जब 10 लाख करोड़ का निवेश यूपी में आएगा। विदेश में होने वाले रोड शो की शुरुआत दुबई से की जाएगी, और हो सकता है कि यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और रूस में भी रोड शो का आयोजन किया जाएगा। विदेश के साथ साथ देश में मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में भी रोड शो आयोजित किए जाने की चर्चा है। अब एक बात और दिलचस्प सुनिए, पाकिस्तान का कुल बजट से ज्यादा योगी निवेश की तलाश कर रहे हैं। ये सपना अच्छा है, और अगर पूरा हुआ तो यूपी की किस्मत बदलेगी। ऐसी कोशिशें देश के कई राज्यों में की जाती रही है जो ज्यादा सफल नहीं हो पाई है, लेकिन योगी में कुछ अलग है। ये बात तो पूरा देश जानता है, इसलिए उम्मीद थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। पहले कार्यकाल में 4,45,000 करोड़ का निवेश एक साथ लेकर आए, जिसमें 51,000 करोड़ की कंपनी या फैक्ट्री लग चुकी है, जबकि अब तक 130 कंपनियां ऐसी हैं जो 37,000 करोड़ का निवेश स्थापित कर रही हैं, जिसका नतीजा आपको अगले कुछ साल में देखने को मिलेगा। यानी फिल्म सिटी से लेकर एयरपोर्ट तक बनाने के पीछे मकसद यूपी में रोजगार लाना है। एक वक्त आएगा जब दूसरे शहरों में धक्का खाने वाले यूपी की ही आवाम अपने ही शहर में नौकरी कर पाएगी। ऐसा करने में वक्त लग सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है।
क्योंकि यूपी में योगी है तो मुमकिन है, और योगी जिस कदम को बढ़ा रहे हैं उसमें देश का भी उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।